दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से जरूर लाइक करें। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो ध्यान से ही कर दीजिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के तूफानी बल्लेबाजी ने तहलका मचा दिया है। जी, आपको बता दें, इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने एक बार फिर से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से जरूर बताइएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ज्यादा कुछ खास नहीं रही और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 12 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका और एक छक्के की मदद से 12 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव। यहां दोस्तों उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच इससे पहले की बड़ी साझेदारी होती, तुरंत ही 8वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल कैच आउट हो गए। एक बार फिर से उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, जहां पर 17 गेंदों में 2 चौकों की मदद से उन्होंने 14 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और दोस्तों क्रीज पर आते ही वो तुरंत आउट हुए। आपको बता दें, 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से वो आदिल रशीद की गेंद पर स्टम्प्ड आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 5 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाया। इसी तरह से दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 70 रन पर 3 विकेट हो गया था और उसके बाद श्रेयस अय्यर आए सूर्य कुमार यादव का साथ देने। जी दोस्तों, इन दोनों के बीच बढ़िया साझेदारी हुई और इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां पर आपको बता दें क्रीज पर आते ही सूर्य कुमार यादव ने एक छक्के के साथ अपना खाता खोला। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव ने अपना खाता खोला और सभी को बताया कि क्यों वो इतने खास बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर भी तूफान मचा रहे थे और इसी बीच आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव एक खराब डिसीजन के चलते आउट हुए। दरअसल आपको बता दें कि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने सूर्य कुमार यादव को डेविड मलान के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया, लेकिन दोस्तों मलान के इस कैच पर विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर तीसरे अंपायर के फैसले पर कई सारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी सवाल उठा रहे हैं। या दोस्तों, दरअसल रिप्ले में ऐसा लगा था कि गेंद मलान के हाथों से छूटकर मैदान पर लगी थी, मगर मैदानी अंपायर द्वारा सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया गया था। इसके बाद मामला तीसरे अंपायर के पास पहुंचा, लेकिन दोस्तों तीसरे अंपायर ने कई सारे एंगलों से देखने के बाद इंग्लैंड की टीम ने पक्ष में फैसला दिया। हालांकि दोस्तों यहां पर साफ दिख रहा था कि सूर्य कुमार यादव नॉट आउट हैं, क्योंकि गेंद सीधी यहां पर ज़मीन से छुप रही थी, लेकिन यहां पर थर्ड एम्पायर ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ फैसला दिया और उन्हें आउट करार दिया। इसी को लेकर दोस्तों सोशल मीडियाज पर कहा जा रहा है कि अंपायर के विवादित फैसले की वजह से सूर्य कुमार यादव को पवेलियन लौटना पड़ा। आपको बता दें, उन्होंने 31 गेंद में 6 चौके और 3 लंबे छक्कों की बदौलत 57 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। वहीं दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, उन्होंने 8 गेंद में 11 रन बनाए जिसमें एक छक्का शामिल था। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक के बाद एक भारतीय टीम के विकेट गिरते गए और श्रेयस अय्यर भी 18 गेंद में 5 चौका और एक छक्का लगाकर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। इसी बीच वॉशिंगटन सुंदर भी 2 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए और वहीं दोस्तों यहां पर शार्दुल ठाकुर 4 गेंद में 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसी तरह से दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोते हुए 185 रनों का एक शानदार स्कोर बनाया। और अब दोस्तों आपको बता दें कि 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और तीसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर आखिरकार आउट हुए। आपको बताते हैं, पिछले मैच में जॉस बटलर ने तूफानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम के हाथों से जीत छीन ली थी और अब इस मैच में वो यहां पर आउट हुए, जहां पर उन्होंने एक बड़ा शॉट मारा, लेकिन अफसोस केएल राहुल के हाथों वो कैच आउट हुए। उन्होंने 6 गेंद में 9 रन बनाए। वहीं दोस्तों इसके बाद यहां पर डेविड मलान और जेसन रॉय के बीच एक बढ़िया साझेदारी हुई, हालांकि इससे पहले कि यह साझेदारी और भी ज़्यादा घातक होती 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मलान को राहुल चहर ने बोल्ड किया। 17 गेंद में उन्होंने 14 रन बनाए जिसमें एक छक्का शामिल था। वहीं दोस्तों इसके बाद यहां पर जेसन रॉय भी आउट हुए, जिन्होंने 27 गेंद में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 40 रनों की पारी खेली। इसी तरह से दोस्तों ये खबर लिखे जाने तक इस समय इंग्लैंड की टीम का स्कोर 13 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 102 रन है। और यहां पर आपको बता दें, इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां पर इन दोनों के बीच मात्र 27 गेंदों में 40 रनों की एक तूफानी साझेदारी भी हो चुकी है। अब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मैच में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे।
अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज में आप अपनी फेवरेट टीम माई 11 सर्कल ऐप पे बना सकते हैं। माई 11 सर्कल पर टीम बनाना बहुत ही आसान है, जहां पर बस आपको दोनों टीमों में से अपने फेवरेट 11 खिलाड़ी चुनने होंगे। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप सौरव गांगुली और VBS लक्ष्मण जैसे चैंपियंस के साथ भी खेल सकते हैं और 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं। और अगर आप VBS लक्ष्मण की टीम को हराते हैं तो आप 5 गुना कैश भी जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप में अभी साइन अप करने पर आपको 1500 रुपए का बोनस भी मिलने वाला है और साथ ही हमारे सब्सक्राइबर्स को उनकी फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% कैशबैक भी मिलेगा। और विनिंग दोस्तों डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, जो कि पूरी तरह से सिक्योर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ विनर्स हैं जो कि रिसेंटली करोड़पति भी बने हैं, इसलिए देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय लीजेंड्स ने पहले तो बेहतरीन बल्लेबाजी, उसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरकार वेस्ट इंडीज लीजेंड्स को 12 रनों से हराकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, इस मुकाबले में सबसे पहले भारतीय लीजेंड्स ने बल्लेबाजी की और सचिन तेंदुलकर के 65 रन, इसके अलावा यूसुफ पठान के 37 रन और युवराज सिंह के ताबड़तोड़ 49 रनों की बदौलत भारतीय लीजेंड्स ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्ट इंडीज लीजेंड्स की तरफ से ड्वेन स्मिथ के ताबड़तोड़ 63 रन, इसके अलावा डीओ नारायण 59 रन और ब्रायन लारा के 46 रनों की बदौलत वेस्ट इंडीज की टीम 206 रन बना पाई और 12 रनों से ये मुकाबला हार गई। दोस्तों इसी तरह से भारतीय टीम यहां पर फाइनल में पहुंच गई है।